तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पूर्व अफ्रीका के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है केनिया। हाँ दोस्तों, पूर्व अफ्रीका के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है केनिया। तो दोस्तों चलिए, ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा केनिया की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर पर स्थित है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है। अफ्रीका के द्वितीय सबसे बड़ा माउंटेन जो है इस देश के अंदर मौजूद है और अफ्रीका की प्रथम माउंटेन कौन से देश के अंदर स्थित है और उस माउंटेन का नाम क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर स्थित सबसे बड़ा झील जो है इस देश के अंदर आ रहा है और अफ्रीका की पॉपुलेशन की नजर से ये देश कितने नंबर पे आ रहा है और ये देश का एक प्रतिवेशी देश जिसके साथ जो है झड़प है इलिमी ट्रायंगल लेकर। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा असल में वो कौन कौन सी चीज का हवाला देकर जो है ये देश मानता है इलिमी ट्रायंगल उसका है। तो दोस्तों केनिया के हिसाब से भारत कितने नंबर पे आ रहा है व्यापारिक नजर से अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या शाखा इस देश के अंदर मौजूद है और COVID-19 के समय ये देश क्या मदद किया था इंडिया को और क्या क्या मदद किया था। तो विश्व के अंदर जो है सबसे ज्यादा समय तक खाना बनाने वाला महिला को क्या आपने देखी हो। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो भी लिखना को ऑलपर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, केनिया जो पूर्व अफ्रीका के एक स्वाधीन देश जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 580.367 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 48 नंबर पे आ रहा है। अगर हम देखें तो इंडिया से जो है 5000 किलोमीटर दूर स्थित है केनिया। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश की कहां कहां नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूं। तो दोस्तों हां, पाकिस्तान से जो है 4700 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से जो है 6200 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से जो है 5800 किलोमीटर दूर स्थित है केनिया। उत्तर में जो है दक्षिण सूडान, इथियोपिया, पूर्व में जो है सोमालिया, भारत महासागर और दक्षिण में जो है तांजानिया और पश्चिम में जो है युगांडा और विक्टोरिया झील। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी नैरोबी। हाँ दोस्तों, देश की राजधानी नैरोबी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर इंडियन यहाँ पर दूतावास स्थित है और इंडियन कॉन्सुलेट जो है इस देश के द्वितीय सबसे बड़ा शहर में स्थित है और द्वितीय सबसे बड़ा शहर जो है मुंबासा। मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले चलिए ये देश के जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर हम चलते हैं, जो ये देश की कह सकते हो सबसे बेस्ट रहने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। भाषा की बात करें तो स्वाहिली और इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 85.5% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। इस्लाम जो रहता है 10.9%, अदर जो है 1.3%। तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है 12 दिसंबर 1963 में और रिपब्लिक हुआ है 12 दिसंबर 1964 में और नया संविधान पास हुआ है 27 अगस्त 2010 में। तो दोस्तों ये देश जो है आधा प्रेसिडेंट शासित प्रजातंत्र है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश के और एक एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, हालांकि एक क्लोज हो गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है हजार हजार प्रजाति के यहाँ पर प्राणी को देखने को मिलता है और ये देश में बहुत आदिवासी संप्रदाय के इंसान यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों अफ्रीका के द्वितीय सबसे बड़ा माउंटेन जो माउंटेन केनिया इस देश के अंदर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो दोस्तों 5.199 मीटर। प्रथम जो है इस देश के प्रतिवेशी देश तांजानिया के अंदर स्थित है जो माउंट किलिमांजारो। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर यहां पर प्लेन तो उतारता नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए यहां पर लोकेशन के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूं। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हाँ, ये देश में ज्यादा गर्मी होता है फरवरी से मार्च तक और ज्यादा ठंडी यहाँ पर देखने को मिलता है जुलाई से अगस्त तक। तो दोस्तों डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट के ज्यादातर यहाँ पर शूट इस देश के अंदर किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के अलग अलग शहर, प्रेसिडेंशियल हाउस। इसके अलावा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सरकारी पद में रहने वाला हर इंसान की इमेज। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश के अंदर जो है 8 राज्य है और 69 यहाँ पर जिला मौजूद है। तो दोस्तों ये देश की सुरक्षा के लिए जो है कह सकते हो इस देश के अंदर KDF मौजूद है जो केनिया डिफेंस फोर्स। इसके अलावा 40,000 से ज्यादा इस देश के अंदर सेना मौजूद है। तो दोस्तों सेना का कोई भी प्रभाव जो है इस देश की राजनीति के अंदर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर स्वीडिश कॉन्सुलेट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर चिली की कॉन्सुलेट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर US की कॉन्सुलेट मौजूद है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा तृतीय सबसे बड़ा झील इस देश के अंदर मौजूद है जो विक्टोरिया झील। तो दोस्तों पानी की नजर से अगर हम देखें तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो है 7 नंबर पे आ रहा है विक्टोरिया झील, जो इस देश की बिल्कुल बाजू में स्थित है, जहां पर 3,000 से ज्यादा छोटे छोटे आइसलैंड मौजूद है और कुछ देश इसका सीमा साझा करता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ पर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों अफ्रीका के अंदर जो है पॉपुलेशन की नजर से जो है केनिया 6 नंबर पे आ रहा है और ये देश जो है बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल संस्था के मेंबर है। अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल संस्था के अंदर से अगर इंटरनेशनल संस्था के मेंबर देखें तो दोस्तों कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ACP, AFDB, AU, AN
इसके अलावा बहुत सारा ऐसा इंटरनेशनल संस्था की जो मेंबर है, जैसे कि G15, G77, IGAD, IAEA, WTO, WMO, UPU और भी बहुत सारा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की और एक बड़ा शहर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। हालांकि ये जो द्वितीय सबसे बड़ा शहर मोम्बासा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट यहाँ पर मौजूद है और एक इंटरनेशनल यहाँ पर जो है एयरपोर्ट मौजूद है, और ज़्यादातर व्यापार जो है यहाँ से इस देश के होता है। और इंडिया की व्यापार कह सकते हो यहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि इस जगह से जो है अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देशों के साथ जो है व्यापार इंडिया की इस जगह से होता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, इस देश के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। बहुत सारा देश जैसे कि न्यू नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, आइसलैंड, वानुअतु, इसके अलावा बोलिविया, मोनाको, टूभालू, माइक्रोनेशिया, टोंगा, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारा देश, इंडिया और केन्या की जो रिलेशन वो जो है इंटरनेशनल रिलेशन और दोस्ती वाला, और ये जो है बहुत ही गहरा रिलेशन है, क्योंकि ये देश जो है हर समय इंडिया को सपोर्ट किया है बहुत सारा इंटरनेशनल मंच पर। ये देश के अंदर स्थित है भारत के दूतावास, और इसके अलावा कॉन्सुलेट मौजूद है देश के द्वितीय सबसे बड़ा शहर मोम्बासा के अंदर, और इस देश की जो है दूतावास भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश के और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर भी आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा। केन्या के अंदर इंडिया के वंशभूत इंसान बहुत सारा मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, व्यापार के लिए जो है केन्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, सबसे बड़ा शहर मोम्बासा मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण सूडान और केन्या के बीच जो है सीमा विवाद मौजूद है, क्योंकि एक जगह है जो इलिमी ट्रायंगल, ये लेकर जो है दोनों देश दावा करता है वो जगह जो है इसका है। तो दोस्तों हाँ, जो इलिमी ट्रायंगल 1950 का हवाला देता है दोनों देश, 1947 का, 1938 का और 92 का जो है हवाला देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर जो है इथियोपिया और यहाँ पर जो है आपको नज़र पे आ जाएंगे जो सोमालिया के बॉर्डर के साइड, यहाँ पर एक जो है घनी आबादी आपको नज़र पे आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों 2010 से 11 तक जो है व्यापार हुआ है दोनों देश के बीच $2.4 बिलियन, और केन्या की ज़्यादा सामान जो है इंडिया खरीदता है और टाटा और एयरटेल यहाँ पर सेवा देता है। चलिए केन्या की नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए, आप देख रही हो ये देश की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये देश के जो आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये देश की जो ऑफिशियल नेम वो भी यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नेम जो रिपब्लिक ऑफ केन्या आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश के जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है, ये देश की राजधानी नैरोबी आपको नजर पे आ जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो स्वाहिली और इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 85.5% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम जो है 10.9%, अदर्स 1.3%। तो दोस्तों इस देश का जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है विलियम रूटो, और वाइस प्रेसिडेंट उसका नाम जो है रीगा थी गाजकुआ, और इस देश के चीफ जस्टिस उसका नाम जो है मार्था कोमे। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारे इंसान की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ पर देख लीजिए जो असेंबली स्पीकर उसका भी आपको जो नाम आपको नजर पे आ जाएंगे, सेनेट स्पीकर उसका भी नाम मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया जो 48 नंबर पे आ रहा है, और पानी की बात करें तो 2.3%, जो इंडिया पर 9%। टोटल जीडीपी आप ध्यान से देख लीजिए लिख दिया हूँ जो 66 नंबर पे आ रहा है, और करेंसी की बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा केन्या से लिंक। तो दोस्तों इस देश की जो ड्राइविंग साइड आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा लेफ्ट, और इस देश की जो कॉलिंग कोड +254 इस देश की जो कॉलिंग कोड। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए पॉपुलेशन, हाँ दोस्तों 5,60,00,000 इस देश की पॉपुलेशन, और इंडिया जो है 80,000 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों इंडियन वंशधर यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको ग्लोबल मैप की मदद से दिखाऊंगा असल में केन्या दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, और इंडिया और केन्या कहाँ पर है मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए ग्लोबल मैप की मदद से दिखाने की कोशिश करूँ, और एक ही मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ केन्या और इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा ये जो है केन्या की शहर जो सबसे बड़ा शहर राजधानी नैरोबी का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, और नैरोबी की जो यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे जो फ्लैग, हाँ दोस्तों नेशनल फ्लैग आपको नजर पे आ जाएंगे, जो पैसा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की जो है राजधानी के अंदर स्थित है सबसे खूबसूरत खूबसूरत जगह की इमेज, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा केन्या की जो है 6 नंबर व्यापारिक पार्टनर जो है इंडिया, और केन्या की बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर जो है इंडिया। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए इस देश की जो है मैं आपको दिखा रही हूँ जो बैंक, इसके अलावा आप ध्यान से देख लीजिए एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर जो है बड़ा एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, मुंबई और दिल्ली से जो है इस देश की राजधानी तक उड़ान जाता है, और मुंबई से जो 2010 में बंद हो गया था लेकिन बाद में 2019 में जो है फिर शुरू हुआ है, प्रथम उड़ान शुरू हुआ था 1951 में। इस देश की देख लीजिए सुरक्षा के लिए नेवी, एयरफोर्स, यहाँ पर डिफेंस फोर्स आपको नजर पे आ जाएंगे, जो लोगो मैं उसका दिखा रही हूँ लोगो। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये देश के सरकारी पद में रहने वाले कुछ इंसान की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों,
दोस्तों, ये देश के सरकारी पद में रहने वाला इंसान जो चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस जो एक महिला है मार्था कोवे में आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, इंडिया से जो है फार्मास्यूटिकल सामान जाता है, दवा जाता है, इस्पात जाता है, ऑटोमोबाइल जाता है। इसके अलावा इस देश से जो जो सामान आता है वो जो है चाय और यहाँ पर जो है वेजिटेबल और सोडा आता है। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश की जो यूनिवर्सिटी के लोगो में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों चलिए आप ध्यान से देख लीजिए ये देश की जो एक खिलाड़ी की इमेज में आपको दिखानी हो। तो दोस्तों ये देश के कितने राज्य है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एक ग्राफ के थ्रू। तो दोस्तों हाँ, इस देश की जो है 8 राज्य है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो दोस्तों इस जगह की जो है या ये देश की जो है कुछ हिस्सा जो है गर्म यहाँ पर ज्यादा रहता है। जो गर्म जगह आपको नजर पे आ जाएंगे या हीट वेव सबसे ज्यादा है वो जो है आपको नजर पे आ जाएंगे रेड कलर की। तो दोस्तों फॉरेन रिलेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है। जो जो देश वो देश यहाँ पर जो है ब्लू कर दिया गया है और जो जो देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है वो देश आपको सफेद नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, इंडिया को ये देश सहायता किया था, लेकिन पहले मार्च 2021 में जो है भारत केन्या को 1,00,000 कोविड-19 वैक्सीन अनुदान दिया था, फिर जो है इंडिया को ये देश सहायता किया था। कब किया था मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए ये जो महिला आपको नजर पे आ रहा है ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करा है। इसीलिए नाम दर्ज करा है क्योंकि ये महिला एक ऐसा महिला जो सबसे ज्यादा समय लेकर जो है खाना बनाने वाला ये महिला जो केन्या की एक महिला, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, इंडिया के अंदर कोविड-19 के जो सेकेंड फेज आया था तब जो है बहुत भयानक रूप धारण किया था। तब जो है ये देश जितने हो सके उतने सहायता किया था इस देश से। तो दोस्तों ये देश से जो सहायता आया था वो जो है 12 टन यहाँ पर जो है टी या चाय यहाँ पर आया था, यहाँ पर काफी आया था और मूंगफली इस देश से आया था। तो दोस्तों हाँ, जितने हो सके ये देश जो है इंडिया को मदद किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ पूर्व अफ्रीका के स्वाधीन देश का नाम जो है केन्या के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।